चेहरे पर मुस्कान, दिल में उमंग और आसमान को छूने का आत्मविश्वास, इन वंचित बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के प्रेरणादायी कार्य में सहायता दी है वाघ बकरी टी ग्रुप ने। एक सदी की गौरवपूर्ण यात्रा के दौरान उत्कृष्ट क्वालिटी की चाय के निर्माता के रूप में देश विदेश में मशहूर वाघ बकरी टी ग्रुप ने अपने व्यवसाय के विकास के साथ साथ अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी बखूबी निभाया है। समाज से जो धन हम कमाते थे, माल बेचते थे, तो प्रॉफिट मुनाफा होता है इसमें, तो हम समाज को रिटर्न करना भी कुछ चाहिए। हमारी एक सामाजिक उत्तरदायित्व जवाबदारी समझ करके हम एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सभी में डोनेशन दिया करने की एक परंपरा हमारे यहाँ चालू थी। जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य हजार बार प्रार्थना के लिए शीश झुकाने से बेहतर है। गांधी जी की इस सीख को वाघ बकरी टी ग्रुप ने अपने CSR का मूल मंत्र बनाकर एजुकेशन, हेल्थ और जीव दया के अनेक प्रकल्प में योगदान दिया है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए IIM अहमदाबाद और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सहयोग से वाघ बकरी टी ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसे नाम दिया स्माइल। इसके तहत हमने एक डेडिकेटेड टीम रखी हुई है टीचर्स की और स्टाफ की, और स्टूडेंट्स का एक वॉलंटियर ग्रुप भी है। उसमें हम उनको एकेडमिक जितनी भी चीज़ें हैं पढ़ाते हैं, स्कूल में उनका जो भी करिकुलम होता है लेके अप टू क्लास 10-12 तक देते हैं। 10th और 12th में उन्हें स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है। स्लम्स में रहने वाले इन वंचित बच्चों को स्माइल प्रोजेक्ट से एक नया अवसर मिला है। अब ये बच्चे भी उसी श्रेष्ठ शिक्षा के हकदार बने हैं जो शिक्षा अब तक उनके लिए स्वप्न समान थी। मारा पापा पासे इतनी बड़ी फी नहीं कि मने प्राइवेट ट्यूशन में भणावी सके। जारे हूँ 1-9 धोरण में भणी त्यारे हूँ मैथ्स में थोड़ा गोखती थी, पण जारे हूँ अहीं आई ने त्यारे एक्टिविटी साथे अमे भणता था, एटले अमने आम गोखवानी जरूर नहीं पड़ती, डायरेक्ट अमने याद ज रही जतुं हतुं। मारा 10th धोरणनुं परफॉर्मन्स छे सारुं हतुं, मने 95% आव्या छे। स्कूल करता आईना बहु गमे, कारण के एकदम फ्रेंड तरीके के मारा टीचर्स ज नथी, आ मारा फ्रेंड ज छे, आम खुल्ला आम वात करियो के गम्मे तेवी होय। क्लासरूम की उत्कृष्ट पढ़ाई के साथ बच्चों को सबसे ज्यादा आनंद आता है इन सारी प्रवृत्तियों में। स्माइल में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं। इसके अलावा विभिन्न हाई स्कूल में तरुणावस्था में पहुंची बालिकाओं को माहवारी के विषय में जानकारी तथा सैनिटरी नैपकिन का वितरण भी किया जा रहा है। समाज के एक और उपेक्षित अंग दिव्यांगों के लिए वाघ बकरी टी ग्रुप ने एक अनोखा सहयोग दिया है स्पोर्ट्स फंड के स्वरूप में। अपने लिए खेलकूद की ये सुविधा पाकर दिव्यांगों के मन में भी एक आत्मविश्वास जगा है और साथ ही समाज में अपनी बराबरी की हिस्सेदारी का संतोष। हो सकता है इनमें से कोई पैरालंपिक्स तक जाकर देश का नाम रोशन करे। चलने में अक्षम कई विकलांगों को विशेष तौर पर डिजाइन की गई इम्पोर्टेड व्हीलचेयर्स दी गई हैं। इसके कारण वे किसी पर निर्भर न होते हुए स्वयं गतिमान बन पाए हैं। इसके साथ साथ वाघ बकरी परिवार ने हमारे लिए विजन सेंटर बनाया है अहमदाबाद में, जहाँ पर हम लोग अहमदाबाद विस्तार की वहाँ पर हम लोग गरीब लोगों के लिए आई चेकअप करेंगे, उनके सर्जरी के लिए बारेजा लेके जाएंगे। BPA से जुड़ी एक और संस्था में डे केयर सेंटर के लिए दी गई सहायता इन मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए खुशी का कारण बन पाई है। वाघ बकरी टी ग्रुप द्वारा समर्थित वोकेशनल ट्रेनिंग के कारण ये विकलांग समाज का उत्पादक अंग बनने के साथ साथ खुद अपना रोजगार अर्जित कर पाए हैं। शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रसार में भी वाघ बकरी टी ग्रुप ने विशिष्ट योगदान दिया है। आकोद्रा गांव में बसा विश्व मंगलम संकुल इन्हीं की देन है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई वर्षों से संस्था के साथ जुड़े वाघ बकरी टी ग्रुप ने यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल तथा लड़कियों के लिए PTC कॉलेज का नया मकान बनवाकर अपनी उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाया है।
छोटी बच्ची को भी एक एजुकेशन देने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है, सिमिलरली लड़कियां पढ़ेगी तो बाद में उसका प्रोफेशन के लिए भी उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। एंड ओल्ड एज की गर्ल्स को जो आईज के बारे में, तो हमने तीनों तबके के लिए हमने बहुत मेहनत की और उसके घर के बाजू में एजुकेशन मिले, उसको घर के बाजू में नौकरी का भी एक प्रावधान मिले। CSR के तहत झगड़िया स्थित सेवा रूरल संस्था को ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया गया सहयोग कई बालिकाओं के जीवन में रोशनी लाया है, जिन्होंने यहां नर्सिंग तथा लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। इसी तरह सर्जन फाउंडेशन को वोकेशनल एजुकेशन के लिए दिए हुए सहयोग के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में कई युवाओं को टेक्निकल शिक्षा मिल पाई है, तथा भारतीय विद्या भवन नरसंडा को नए कंप्यूटर सेंटर के लिए दिए गए सहयोग के कारण इन बच्चों में उत्साह का संचार हो पाया है। राउंड टेबल इंडिया के सहयोग से राजनगर सांतेज में नई प्राइमरी स्कूल का निर्माण, तथा आशीर्वाद ट्रस्ट सायला को आजीविकानु आगमन प्रोजेक्ट के तहत विकलांगों के स्वरोजगार के लिए दी गई सहायता वाघ बकरी टी ग्रुप की प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। समय के साथ कदम मिलाते हुए ग्रामीण बच्चों को भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिल सके, इस हेतु धोरका एजुकेशन सोसाइटी को 3 नए कंप्यूटर सेंटर के लिए दिए गए सहयोग के कारण इन बच्चों में उत्साह का संचार हो पाया है। गांधी विचार की बुनियाद पर बनी लोक भारती सणोसरा को मास्टर इन रूरल स्टडीज के लिए दिया हुआ दान उन युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वाघ बकरी टी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नड़िया स्थित मुलजी भाई पटेल किडनी हॉस्पिटल को डायलिसिस मशीनों के लिए तथा पैथोलॉजी सेंटर के लिए आर्थिक सहयोग, जिसके कारण हर माह 2000 जरूरतमंद लोगों को डायलिसिस की सुविधा तथा गरीब तबके के मरीजों के लिए हर माह 40,000 जितने लैब टेस्ट संभव हो पाए हैं। हमारा एम ऐसा है कि सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, दुनिया की सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अपने लोग को दिया जाए, और वो अफोर्डेबल प्राइस है। जो वाघ बकरी हाउस है तो उन्होंने हमने डोनेशन दिया, वो डोनेशन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए है। हमारे पास डायलिसिस मशीन 2 थे, उसके हमने अभी बड़ा बड़ा के ये गए 40 ईयर्स में 48 डायलिसिस मशीन किए। इसी तरह ठाकरशी चैरिटेबल ट्रस्ट को डायलिसिस मशीन के लिए अनुदान। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज न केवल लंबे समय तक चलता है परंतु बहुत महंगा भी है। गुजरात कैंसर सोसाइटी के अंतर्गत कार्यरत MP शाह कैंसर हॉस्पिटल को दिया गया अनुदान जरूरतमंद और गरीब मरीजों के लिए आशीर्वाद समान बना है। उपरांत जीवराज मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। This money will be utilized in a way where ultimately the patient care is improvised, patient get the better facility at a much cheaper rate. We are very, very thankful to Vag Bakri Group. दूरस्थ ग्रामीण विस्तार जहां आधुनिक मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां संजीवनी हेल्थ एंड रिलीफ कमिटी के माध्यम से वाघ बकरी टी ग्रुप ने विशेष मेडिकल वैन द्वारा ये सुविधा पहुंचाई है। इसके अलावा मेडिकल कैंप और खास हेल्थ चेकअप शिविर के द्वारा कई गांव में लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है। साथ ही 200 से अधिक अंध दिव्यांग व्यक्तियों को सारथी असिस्टिव डिवाइस और अक्षय पात्र फाउंडेशन को मिड डे मील के लिए आर्थिक अनुदान वाघ बकरी टी ग्रुप की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बच्चों को जो मध्याह्न भोजन हम उपलब्ध करवाते हैं, हम इसमें बहुत ध्यान रखते हैं कि इसका जो स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स है उसको अडियर करते हैं, और इससे हम देख पा रहे हैं जैसे स्कूल एनरोलमेंट है, बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसमें इम्प्रूवमेंट होना, ये सब एक पॉजिटिव ग्राफ पे आगे बढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं। जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद की इस एवियरी के लिए दिया गया दान कई अबोल जीवों को नया जीवन देने में सहाय रूप बना है। ये जो बर्ड्स है हमारे और एनिमल्स है, वो बोल नहीं सकते हैं, उनकी पीड़ा और उनकी वेदना बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी सर्जरी में हमारे ह्यूमन का जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा इनके लिए होता है, तो इनके लिए डोनेशन देना ये बहुत बड़ी बात है। मैं जो CSR में जो हम डोनेशन करते हैं तो फ्यूचर में एक साथ
लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जो भी डोनेशन करना होगा वो बाग बकरी फाउंडेशन में से करेंगे। जायकेदार चाय के स्वाद से हम सभी को जागृत रखने वाला वाग बकरी टी ग्रुप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी उतना ही जागृत है। वाग बकरी टी ग्रुप, जहां CSR एक शब्द नहीं सेवा की उज्ज्वल परंपरा है।